पूर्णिया में कलयुगी पिता की करतूत सामने आई है। घटना आमोर थाना के फकीर टोली की है, जहां पिता ने पति पत्नी विवाद में अपनी 4 साल की बेटी को ईंट पर पटक कर मार डाला। परिजनों का कहना है कि शोभा लाल शर्मा गुजरात में रहकर कमाता था और कुछ दिन पहले ही वो अपने घर आया था, लेकिन मामूली विवाद में उसने अपनी पास खड़ी अपनी बेटी को पटक दिया, जिससे बच्ची के सिर में गंभीर चोट आ गई और इलाज के लिए जाते समय बच्ची की रास्ते में ही मौत हो गई। हुआ कि इस बच्चे को जो है ना उसका बाप उठा के पटक दिया, इसी कारण उसका मृत्यु हो गई। वजह जो इसका जो माँ है तो बच्चे को पानी पूरी खिलाने के लिए गया था, पानी पूरी खिलाने गया था और छठ का त्यौहार था, उसी में उसका घर बुला मीट लाया था। उसका माँ को कहा कि बच्चे को माँ को कहा कि मीट बनाइए, तो बोले ठीक है मीट बनाएंगे, शाम को बनाएंगे, अभी व्यवस्था नहीं है मीट बनाने के लिए। अरेस्टिंग हो गया इसका। वहीं घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पूर्णिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।